हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों ये एक बार फिर आज हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने हैं जैसा कि इस समय अगर हम बात करें जून जुलाई अगस्त ये जो माह होता है आपकी खेत की जुताई के लिए होता है यानी आप अपने खेतों को तैयार करते हैं धान की रोपाई करने के लिए तो अगर इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसमें आप खेत को एक ट्रैक्टर के माध्यम से जुताते हैं तो इसमें आपको ये पता करना है कि आप अपने खेत का जो भी क्षेत्रफल है उसके अनुसार आपको अगर खेत को जोतना है तो उसमें आप ट्रैक्टर के माध्यम से कितना रुपए का खर्च आएगा इस वीडियो में बात करेंगे सारी डिटेल में आपको बात करेंगे एक उदाहरण के माध्यम से तो आप आसानी से जान पाएंगे वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है यानी रेड कलर की बटन होगी उसको क्लिक करना है उसके बाद में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं खेत संबंधी या कोई भी आपको बेनिफिट संबंधी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आपको मिल जाएगा सबसे पहले ठीक है वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों तक शेयर करना है आप आपके लाइक और मोटिवे आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं उसके पहले आपको एक मोटिवेशनल क्वेड के साथ स्टार्ट करते हैं रास्ते खुद ही बनाए उस शख्स ने जिसमें जुनून था रास्ते खुद ही बनाए उस शख्स ने जिसमें जुनून था जीत की जलन तो देखो पड़ोसियों को ना सुकून था तो फ्रेंड्स आप की पड़ोसी आपके जो हितैषी नहीं हैं वो आपको ऊंचाई पर जाना जाता नहीं देख सकते इसलिए आपको अपने जुनून के साथ अपने उस लक्ष्य को हासिल करते रहना है जो आपने तय कर रखा है तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि प्रश्न आपको दिख रहा होगा एक खेत की जुताई एक ट्रैक्टर से कराई जाती है उस खेत की जो कि खेत की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है ठीक है तो खेत का क्षेत्रफल बीघे बीघे में 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 तो में भी बताना है आपका कितना बीघा खेत होगा और एक जोतने में जो सैंतालीस दशमलव पांच रुपये आ रहा है तो पूरे खेत को जोतने में ट्रैक्टर के माध्यम से कितना रुपए आने वाला है तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको खुद बताना है पहले आप सॉल्व करिए फिर कमेंट बॉक्स में बताइए ठीक है और इसके पहले आपको बता देते हैं कि बीघा विश्वाधूर को जैसा कि आप बीघे को विश्व को हेक्टेयर में बदलना चाहते हैं तो आप आसानी से ये वीडियो आपको प्ले में मिल जाएगा वहाँ से देख लीजिएगा यदि आप हेक्टेयर को विश्वाधूर में बदलना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखे हैं आपको प्ले में एक सीरीज स्टार्ट की थी हमने जिसमें बात किया था कि आप वर्गाकार हो खेत जो भिन्न भिन्न प्रकार के आपके खेत होते हैं उनका क्षेत्रफल आप कैसे निकालें तो ये सीरीज के माध्यम से देख सकते हैं आपको प्ले लिस्ट में एक सीरीज मिल जाएगी और जिसमें वर्गाकार आयताकार जैसा कि आपको आयताकार है उसके चारों ओर अगर रास्ता है तो उसका क्षेत्रफल ट्रिक के माध्यम से कैसे जाने ये सारी डिटेल हमने बता रखी है जैसा कि वर्गाकार खेत होता है आयताकार त्रिभुजाकार समलम का चतुर्भुजाकार का इन सब पर हमने वीडियो बना रखा है अगर त्रिभुज को तीन भागों में बांटना है दो भागों में बांटना है समलम चतुर्भुज को दो बराबर भागों भाइयों में बांटना है तो ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा आसानी से आप देख सकते हैं हम बात करेंगे प्रश्न में जो कि पूछा गया है इसमें तो देखिए एक खेत है जिसको जुताई कराई जाती है ट्रैक्टर से और उस खेत की लंबाई यहाँ पे 120 मीटर है और 60 मीटर चौड़ा है ठीक है और इसका क्षेत्रफल बीघे में भी बताना है और खेत को जोतने में इतना सैंतालीस दशमलव पाँच रुपये का जो कि खर्च आ रहा है तो आपको बताना है कि कितना टोटल खर्च लगेगा उस पूरे खेत को जोतने में सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आपका जो ये खेत है अगर आयताकार है ठीक है आयताकार खेत है तो इसकी लंबाई आपको दी गई है कितना दी गई है 120 मीटर 120 मीटर और 60 मीटर आपको दी गई है इसकी चौड़ाई तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें हैं तो एक आयत का क्षेत्रफल जो कि एरिया अगर हम बात करें एक आयत का तो ये बराबर हमेशा होता है लंबाई का और गुड़ित चौड़ाई का ठीक है तो लंबाई यहाँ पे आपको कितना दिया है इस पर हमने वीडियो बना रखा है उसको देख सकते हैं आसानी से डिटेल में बताया है तो इसकी लंबाई 120 है और चौड़ाई कितनी है 60 है अगर इन दोनों का कूड़ा करते हैं तो एरिया बनेगा इस वाले खेत का तो कितना हो जाएगा बारह छः बहत्तर यानी आपका ये या आ जाएगा छ सात हज़ार दो सौ वर्ग मीटर में आ जाएगा इसमें आ जाएगा वर्ग मीटर क्योंकि यूनिट यहाँ पे मीटर है तो ये बहत्तर सौ वर्ग मीटर आपका पूरा खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा वहीं अगर हम बात करें कि अगर एक विश्वा जोतने में आपका कितना सैंतालीस दशमलव पाँच रुपये का खर्चा आ रहा है कितना आ रहा है एक विश्वा जो आपकी ज़मीन है अगर इसको आपको जोतने में ट्रैक्टर से कितना आ रहा है सैंतालीस दशमलव पाँच रुपये आ रहा है ठीक है सैंतालीस रुपया साढ़े सैंतालीस रुपये आ रहा है एक विश्व का तो आपका टोटल कितना ज़मीन है वो आपके कितना है बहत्तर सौ वर्ग मीटर तो सबसे पहले विश्व को आपको समझना पड़ेगा कि एक विश्व में कितना वर्ग मीटर होता है ठीक है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये भी जानना होगा कि एक बीघा की जो वैल्यू होती है वो मीटर में कितना होती है वर्ग मीटर में ये होती है आपकी पच्चीस सौ तीस वर्ग मीटर ठीक है स्क्वायर मीटर कह सकते हैं आप जो कि ये यूपी की बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की ये लोकल वैल्यू जो कि हर स्टेट की अलग अलग होती है मैं उत्तर प्रदेश ओनली उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ क्योंकि बाद में लोग जो दूसरे स्टेट से देखते हैं वो कहते हैं कि आप रॉन्ग बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स हर स्टेट की ये जो बीघा विश्वाधूर होता है वो लोकल वैल्यू होती है अलग अलग होती है तो एक बीघा बराबर आपका पच्चीस वर्ग मीटर हो जाएगा तो वहीं एक विश्वा जो एक बीघा में कितना विश्वा होता है एक बीघे में होता है आपका बीस विश्वा होता है ठीक यानी एक बीघा में बीस विश्व होता है इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है प्लेलिस्ट चेक करो वहाँ से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है एक बीघा में बीस विश्व तो अब आपको एक विश्व की वैल्यू निकालनी है कितना वर्ग मीटर आएगा ठीक है तो अगर आपका एक बीघा में पच्चीस सौ तीस वर्ग मीटर हो रहा है तो एक विश्व में बीस यानी एक बीघा जो है ये बीघा की वैल्यू अगर आपका बीस भीश, विश्वा के बराबर आ रही है विश्वा ठीक है तो एक विश्व की अगर हम बात करें तो आपकी वैल्यू जो आएगी बीघा बटे बीघा बटे आपका कितना हो जाएगा बीस अब एक बीघा की वैल्यू आपको पता है पहले से कितना है पच्चीस सौ तीस वर्ग मीटर तो आप बीस से इसमें भाग करेंगे तो जैसे बीस से भाग करेंगे तो ये वैल्यू एक विश्व की निकल के आएगी कितना आएगी अगर हम बात करें कितना निकल के आएगा ये आ जाएगी आपका एक सौ छब्बीस दशमलव पाँच वर्ग मीटर आ जाएगा यानी अगर दो से भाग करें दो सौ तिरपन में तो आपका निकल के आएगा एक सौ छब्बीस दशमलव पाँच स्क्वायर मीटर यानी वर्ग मीटर ठीक है तो एक विश्वा जो बैलू आपकी निकली वो कितना निकली एक सौ छब्बीस दशमलव पाँच स्क्वायर स्क्वायर मीटर ठीक है ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई अब एक विश्व में आपको कितना खर्च आ रहा है तो देखिए एक विश्व की आपका एक विश्व की खर्च जो वहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है यह आ रहा है आपका सैतालीस दशमलव पाँच रुपया आ रहा है ठीक है अब फ्रेंड्स अगर आपका एक विश्व की वैल्यू जो इतना आ रही है अगर इसमें आप और एक विश्व का वर्ग मीटर अगर हम बात करें वर्ग मीटर में तो एक विश्व कितना वर्ग मीटर होता है एक वर्ग मीटर एक सौ छब्बीस दशमलव पाँच वर्ग मीटर होता है तो एक वर्ग मीटर की वैल्यू कितना आएगी एक वर्ग मीटर की अगर हम बात करें तो एक सौ छब्बीस दशमलव पाँच मीटर का जो आपका रुपये आ रहा है वो सैतालीस दशमलव पाँच आ रहा है ठीक है रुपया आ रहा है तो एक स्क्वायर अगर हम मीटर की बात करें तो इसमें भाग हो जाएगा यानी हो जाएगा एक सौ छब्बीस दशमलव पाँच अब हमको निकालना कितना है बहत्तर सौ वर्ग मीटर का निकालना है बहत्तर सौ स्क्वायर मीटर का निकालना है तो इसमें भी आप क्या करेंगे बहत्तर सौ से गुड़ा कर देंगे यानी सात हज़ार दो सौ से अगर आप गुड़ा करते हैं तो इसको आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए तो यहाँ से इसको अगर आप काटेंगे तो ये जो आपका टोटल निकल के आएगा यानी टोटल अगर कितना निकल के आने वाला है टोटल अगर हम देखें भाग करने के बाद तो ये जो डाटा निकल के आएगा टोटल कितना रुपए खर्च होगा ये आपको आसानी से पता चल जाएगा ठीक है इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं ये आपका जो निकल के आएगा दो हज़ार सात दो हज़ार सात सौ तीन दशमलव पाँच रुपये निकल के आएगा यानी अगर इसको आप काटते हैं तो दो हज़ार सात सौ तीन पाँच ये रुपये आपका निकल के आएगा यानी ये सत्ताईस सौ जो वर्ग मीटर है इस टोटल खेत को जोतने में आपको इतना रुपये खर्च आएगा यानी दो हज़ार सात सौ तीन दशमलव पाँच रुपया जो कि आपका खेत का इस टोटल खेत का खर्च आएगा जो कि आपका जोतने में लगेगा ठीक अब इसको आप चाह रहे हो कि इसको बदलना है आपको बीघे में कितना बीघा पूरा ज़मीन आएगी तो इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यानी एक बीघे की बैलू आपने अभी निकाला था कितना आया था ये आया था आपका 2530 वर्ग मीटर ठीक है तो बीघे में अगर आपका निकालना वर्ग मीटर तो एक वर्ग मीटर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपका ये बीघे में कितना यानी 2530 से भाग देना पड़ेगा तो 27 यानी बहत्तर सौ आ रहा है तो टोटल ये जो 2000 2530 रुपए आ रहा है इसको आपको सिर्फ करना क्या है यानी बहत्तर में आप दो 530 रुपए का जो कि वो वर्ग मीटर का इसमें भाग करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा और ये टोटल कट के कितना आएगा अगर भाग करेंगे तो आएगा आपका दो बीघा दो दशमलव चौरासी अट्ठावन यानी आप इसको काटेंगे तो दो दशमलव चौरासी अट्ठावन जो कि आपका बीघे में आएगा ये टोटल किस में बदल गया बीघे में ये पहले भी हमने वीडियो बना रखा है आसानी से देख सकते हैं तो जितना वर्ग मीटर आपका है उसमें आप 2530 से पच्चीस सौ तीस से भाग करेंगे तो बीघे में बदल जाएगा तो दो बीघा आपकी बैलू आ जाएगी यानी दो बीघा ज़मीन है आपकी और तीन बीघे से कम है अब दशमलव के बाद जो आठ यानी चौरासी अट्ठावन आया है अब चौरासी अट्ठावन को भी अगर आप बदलना चाहते हो तो आसानी से विश्व में बदल सकती हो ठीक है कितना ज़ीरो दशमलव चौरासी और ये अट्ठावन है क्योंकि एक बीघे के बैलू आपको बीसवा में है क्योंकि यहाँ भी बीघा आपका ही आएगा क्योंकि दशमलव के बाद है यानी दो बीघे से ज़्यादा तीसरे बीघे से कम है तो यहाँ बीघे की जगह आपको बीस से गुड़ा है क्योंकि एक बीघा बराबर बीस बीसवा होता है तो इसमें आप ज़ीरो दशमलव चौरासी और अट्ठावन में जैसे आप 20 से गुणा करेंगे तो ये भाग आपको जो कि निकल के आने वाला है आसानी से आप इसको कर सकते हैं ठीक है ये आठ दूनी सोलह है यानी सोलह दशमलव सोलह दशमलव इक्यानवे इक्यानवे और उनहत्तर ठीक है ये आएगा यानी दो बीघा जमीन होगी और सोलह बिश्वा होगी कितना होगी दो बीघा सोलह बिशवा अब इसको धूर में भी बदलना है तो आप बदल सकते हो आसानी से अब एक विश्वा में जो होता है बीस धूर होता है तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपको जीरो दशमलव इक्यानवे उनहत्तर इसमें आप बीस से कूड़ा करेंगे तो नौ दूनी अट्ठारह यानी अठारह दशमलव अट्ठारह दशमलव आपका तीन ये बीसवा में आ जाएगी ठीक है तो इसको भी बदल सकते हैं आसानी से आप कंचवांसी में बदल सकते हैं तो याग् आप बदल सकते हैं आसानी से फिर वीडियो बना रखा है उसको देख लीजिएगा तो टोटल जमीन की अगर हम बात करें तो दो बीघा दो बीघा सोलह बीसवा और अठारह दशमलव तीन धूर में आएगी ठीक है विश्वा धूर ये सब आपका जो कि डाटा इतने का आ जाएगा जो आपने ये खेत है, जो कि ये आपका खेत है जो ट्रैक्टर से आप जोत रहे हैं तो इसका टोटल खेत का जो एरिया आएगा ये आ जाएगा आपका दो बीघा सोलह विश्वा और अठारह धूर तो ये आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी आसानी से वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं नमस्कार